सुल्तान अगर तू ना होती तो हम यहाँ ना पहुँच पाते। और बर्फ बाहर, पूरी बर्फ जमी हुई है भाई साहब, इसको बोलते हैं असली एडवेंचर। बाइक पे पूरी बर्फ जमी पड़ी है, जो इसका स्विंग आर्म है उसके ऊपर भी पूरी वाइट वाइट बर्फ जमी हुई है। सीट के ऊपर पत्थर हो रखा है भाई, पत्थर। ये भगवान बाइक स्टार्ट हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, रुक जाओ रुक जाओ। अरे तो जम गया है। कार्तिक को पेट्रोल चाहिए ताकि वो लकड़ी में आग लगा सके। या तो इस तरफ हल्का सा कर लो या तो इस तरफ। हाँ बहुत बढ़िया हो गया होगा, बस मैं कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड ट्रू एडवेंचर। तो ये यहाँ पे हमें पड़ा मिला हुआ था, मतलब एक्चुअली ये लकड़ी और ये टिन का डब्बा इधर पड़ा हुआ था, तो किसी ने हो सकता जलाया हो। तो अब हमारी बारी है इसको जलाना। मतलब ऑलरेडी पहले जला हुआ, ये सूख गया होगा, मतलब बंद हो गया होगा। सुल्तान भी भपके छोड़ रही है अभी। इसका इंजन ऑयल ना रोटेट भी नहीं हो रहा, तो अभी मैं थ्रॉटल दूंगा नहीं फालतू। इसका इंजन ऑयल रोटेट भी नहीं हो रहा। बॉर्न टू राइड ऑन राइड, मैं कह रहा हूँ स्नो लेपर्ड तो दिखा नहीं, बट अपना गोल्डन लेपर्ड ज़रूर यहाँ पे है। इसकी रैपिंग बहुत अच्छी लगी, पैनियर्स हमारे कस्टम रैप है। बॉर्न टू राइड एडवेंचर बिगिंस, यहाँ पे बॉर्न टू राइड, और यहाँ पे अपना मोटर स्टोर का ब्रांडिंग MS। और भाई दिस इज कॉल्ड एडवेंचर ब्रो, यही तो चाहिए। मतलब देखो भाई, भगवान ने भी हमारे लिए पूरी तैयारी छोड़ी थी कि जहाँ पे हम जाएं तो हमारे बच्चे सुखी रहें, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। रात को उठना कि बैठ के स्टोव चलाना, ये तो चलता है बढ़िया। तो भाई भगवान जी की एक कृपा थी कि हमें यहाँ लोकेशन मिली और ये गॉड गिफ्ट हमें मिला, इससे थोड़ी हमें राहत मिलेगी। तो इसके अंदर चार्जर लगा रखा है और एक सी टाइप की केबल छोड़ रखी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी सी टाइप वाली ही हैं। हो रहा चार्ज ना, जम तो नहीं गया, हो सकता है देखो ना तार की हालत क्या हो गई है। तो ये मैं नई तार ले आया, इसको खोल के बाद चेक करना कितना हो गया। -5 ही है क्या? तो अभी ठंड की वजह से इस GoPro की बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही, तो अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे खाना। तो थोड़ी अंदर होगी ये गर्मी। तो क्या बनाया भाई ये? उपमा, वेज उपमा बनाया हमने MTR का, रेडी टू कुक बोला भी होता, गर्म पानी डाला और बना लिया। ये मेरी गर्म टोपी है, इसके अंदर पड़ा है पावर बैंक और ये बैटरी इसके अंदर चार्ज हो रही है। बाहर तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा क्योंकि अभी -5 और -6 डिग्रीज चल रहा है। बस ये दो बैटरी चार्ज हो जाए तो मेरा काफ़ी मतलब ब्लॉगिंग का काम हो जाएगा, GoPro मोटो ब्लॉग का भी और ब्लॉग का भी। इसको अभी और बंद कर देता हूँ। बस बस अंदर स्टोव हमने पहली बार चलाया टेंट के, और कोजीनेस बहुत हो गई है ना, बहुत ज़्यादा, और इससे ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड बाहर है, बहुत ज़्यादा बाहर तो हवा चल रही है। लिविंग रूम में भी हमारी थोड़ी ठंड है। लिविंग रूम में क्या बोलेंगे, लॉबी बोलेंगे, लॉबी लॉबी जहाँ पे हमारा सारा लगेज पड़ा।
क्रेजी यार, ड्रोन उड़ाना था बट ड्रोन हमारा चार्ज नहीं है, नहीं तो ज़रूर एक बार उड़ाते। सुबह तो सिलेंडर भी नहीं चल रहा था ना बुटेन का, वो पूरा जम चुका था अंदर से भी। पानी पानी से हिल रहा था ना उसमें, फिर हिला के हमने उसको थोड़ा गैस बनाया ना। देखो वो ग्लास मैंने फेंका था और वो बर्फ इसके साथ ना पड़ी है। अरे वाह, गर्मा गर्म खाना और सूप, ये कुछ स्वीट कॉर्न का है और ये मिक्स वेज। कैंपिंग में तो कुछ भी मिल जाए, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। वो ठंड लग रही है सर बहुत ज़्यादा अभी भी, बाहर से आया मैं इसलिए। ये पूरा ऊपर तक जमा है, तोड़ो ज़रा बोतल। ये देखो जाके आया है। ये अगर बोतल बाहर छोड़ दे तो बर्फ बर्फीली हो जाती है, ये और भी ज़्यादा वो हो जाता फिर। फिर तो ये होता भी नहीं, जैसे अभी जैसे फ्रीज है ना उससे भी ज़्यादा फ्रीज होगा। तो सुबह ड्रोन तो चार्ज हो नहीं पाया, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम कहीं और कैंपिंग करेंगे तो वहाँ के ज़रूर ड्रोन शॉट्स लेंगे। तो अभी तो ये था हमारा कैंप, सारा सामान हमने कर दिया पैक, कुछ डाल दिया बाइक पर, कुछ राइडिंग गियर सब हमने पहनने और यहाँ से निकलना है। तो एक बार सारा एक बार अंदर से क्लीन कर देते हैं, डस्ट वगैरह जिप लगाते हैं, जो चीज़ें जैसी थी वैसे छोड़ेंगे और उसको पैक कर देंगे। सबसे बड़ा टास्क ये है कि वो उस बैग में पैक हो पाएगा नहीं जिसमें आया था। हाँ, हो जाएगा। और अब धूप आ गई है तो इसका एक एडवांटेज मिल गया, हमारे अंदर एनर्जी आ गई है तो काम हम फटाफट कर सकते हैं। ये वाली, ये वाली। चार्टर प्लेन है, कैसा है? नॉर्मल है। अच्छा, तो थंबनेल वगैरह और इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो ले ली है और अब टाइम आ गया कि बीटीआर मेंशन को हम पैक करके ले चलें दूसरी डेस्टिनेशन की ओर, क्योंकि धूप आ चुकी है और हम चाहते हैं कि फटाफट अब कोकसर वाली रोड पर पहुँचें हाईवे पे, क्योंकि ये बहुत रास्ता ख़राब है और बहुत टाइम लेगा ये कवर करने में। तो फटाफट इसको पैक करते हैं। कितना बड़ा और आलीशान टेंट था और कैसा सा हो गया है, सिकुड़ गया तो खत्म। चलो अब इसको भी पैक करते हैं एक बैग में। तो टेंट बंद हो गया, कितना सा हो गया कार्तिक? छोटा सा। अब ये इस बैग में आ जाएगा, और इतना बड़ा था यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ऐसे फिर ऐसे। सो गाइस निकल रहे हैं चंद्रताल से, पेट्रोल हमारा हाफ टैंक है, जेरिकेन में 2 से 2.5 लीटर था वो हमने डाल दिया इसमें। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता। तो ये लोकेशन थी जहाँ पे हमने करी थी कैंपिंग, काफ़ी सही लोकेशन हमें मिल गई थी, पर बेचारों का नुकसान कितना हो रहा होगा ना, पाइप्स बिछा रखी हैं वायर की, पानी की, हो सकता है पानी की सप्लाई नीचे से लेते हो, है ना, वाटर क्रॉसिंग। ये वही वाली है ना, ज़्यादा गहरी वाली जिसमें तुम उतरे थे? ये वही वाली है भाई जिसमें उतरे थे। पूरा रिवर बेड है गाइस, पूरा रिवर बेड साफ। अबे यार जूतों में पानी ना चले जाए। ये स्टैंड पे तो नहीं लग रही, बैच प्लेट में है ना। ये देखो गाइस पूरा जमा पड़ा,
और ये ना दिखे किसी को तो फिर हो जाए उसका काम। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं डाइवर्जन पे, तो ये तो था चंद्रताल वाला रास्ता, ये आ रहा है काजा स्पिति और कुंजुम पास आई गेस यहाँ से 10-11 किलोमीटर है। तो अभी तो लेट हो गए, नहीं तो ज़रूर हम यहाँ पे जाते, अभी 11:04 हो गए हैं और अभी ये भी नहीं पता कि मनाली साइड जाना है या लद्दाख साइड जाना है। तो एक बार हम पहुँचते हैं कोकसर अटल टनल के, वहाँ पे डाइवर्जन देखेंगे क्या करना है, लद्दाख या मनाली। तो जैसा भी होगा अपडेटेड रहेंगे आप इसी व्लॉग में, तो बिल्कुल भी स्किप ना करो, बहुत मस्त मस्त कंटेंट ऑन दी वे है। अभी हमारा ड्रोन का बड़ा दिक्कत है, चार्ज हुआ नहीं, पावर बैंक डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो आई गेस हमें आज तो होटल लेना पड़ेगा जिसमें सारे हमें कैमरा गेयर्स चार्ज करने पड़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ दो व्लॉग फटाफट एडिट भी कर दूंगा और अपलोडिंग पे भी लगा दूंगा, ताकि जब तक हम अगर ले पहुँचे तो तब तक वो हमारे वीडियोस अपलोड हो जाएँ। मनाली गए तो फिर तो कुछ और ही प्लान रहने वाला है। जैसा भी रहेगा आप सब अभी अपडेटेड रहेंगे, बट व्लॉग को स्किप मत करो, सारे पार्ट्स को इन्जॉय करो, क्योंकि मैं ज़्यादा लंदी व्लॉग्स नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि 10-12 मिनट में आप देख के ख़त्म करो उसको और आपको मज़ा आए। तो कार्तिक को भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि जब अगली बार आए तो इसको आदत हो जाए। इस बार तो प्लान था कि एक ही बाइक पे चलेंगे और आराम से हो भी गया, कोई हमें बैकअप व्हीकल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई कार की, कोई ट्रक की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही बाइक पे हमने लगेज और राइड वगैरह कंप्लीट कर ली।